अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज के स्टूडियो में हम मज़ीद अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ट्रांजिशन और एनिमेशन को कवर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप वो देख लें ताकि आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं प्रेजेंटेशन को ओपन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन को ओपन कर दिया। हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे स्लाइड शो, कि स्लाइड शो में क्या होते हैं। बेसिकली नाम से भी जाहिर है कि स्लाइड जो आपका स्लाइड है शो, वो किस तरह शो होता है, आप उसको किस तरह शो करना चाहते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक हमारे पास है फ्रॉम बिगिनिंग। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो आप स्टार्टिंग से लेना चाहते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब आप फ्रॉम द बिगिनिंग क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स नंबर वन से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्ट हो गई है, तो आप यहाँ से इस तरह जा सकते हैं। जो प्रोसीजर मैंने बताया था कि आप ऑन द क्लिक जाना चाहते हैं या टाइमिंग देना चाहते हैं कि इस टाइम के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसको ये स्वेप हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप एस्केप से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब यह है कि आप जिस स्लाइड्स में अभी मौजूद हैं आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो करंट स्लाइड से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं स्लाइड नंबर 8 में अभी मौजूद हूँ। तो मैं जब फ्रॉम करंट स्लाइड्स कर लूंगा तो हमारे पास ये स्लाइड्स नंबर 8 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह फिर जा सकते हैं, एस्केप कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बना लिया किसी चीज के बारे में भी हो, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग इसको देख लें, इसको डाउनलोड करें, इससे कुछ सीख लें, तो आप यहाँ से प्रेजेंट ऑनलाइन पे जाके, यहाँ से ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विसेज, आप ये फ्री सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए भी शो होता है कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे, डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पीसी से वेब के जरिए डिफरेंट लोग इसको डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो है क्या चीज, तो आप देख सकते हैं कस्टम स्लाइड शो का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं, मेरे पास प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, उसमें तकरीबन जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं उसको टोटली उसको कवर नहीं करना चाहता, मैं कुछ स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बाकी को मैं रहने देता हूँ, तो आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उस पर कस्टम स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, आप न्यू भी जाएंगे, जिस स्लाइड्स को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 3 हो गया, मैंने इसको ऐड कर दिया। और उसके बाद आता हूँ 12 पे, 12 प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, और इसके अलावा 16, इसको ऐड कर दिया। तो आप यहाँ से ओके करेंगे, जब आप ओके करेंगे तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, फिर रिमूव, कॉपी, क्लोज, आप यहाँ से शो करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास शो हो गए हैं। आप यहाँ पर आप पार्टिकुलर स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेटअप स्लाइड शो। जब आप सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास है शो टाइप, शो स्लाइड्स और शो ऑप्शन, एडवांस स्लाइड। इसको हम ज्यादातर नहीं छेड़ते, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं शो टाइप का प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन में आपके पास ये प्रेजेंट होगा। दूसरा हमारे पास है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, मतलब अलग अलग विंडो में ये हमारे पास होगा प्रेजेंट। तीसरा हमारे पास है ब्राउज एट आ काउस फुल स्क्रीन, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है आल पे करना चाहते हैं, जितने प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फ्रॉम से कि कितने स्लाइड से कितने। सपोज आपने प्रेजेंटेशन बना ली है, आप ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने डिसाइड कर दिया आपकी टोटल प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं 30, आप चाहते हैं कि पहले 10 मैं कर लूँ, फिर उसके बाद 11 to 20 दूसरा फ्रेंड कर ले, और फिर उसके बाद 21 to 30, तो आप यहाँ से फ्रॉम 1 to 10 आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से कस्टम शो पर भी कर सकते हैं,
जो करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके कस्टम शो पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है शो ऑप्शन, लूप भी आप चला सकते हैं कि जब तक आप इसके प्रेस नहीं करेंगे। आप शो विदाउट नरेशन भी कर सकते हैं, शो विदाउट एनिमेशन भी कर सकते हैं, डिसेबल हार्डवेयर, ग्राफिक एक्सेलरेशन एंड सो ऑन आप यहां से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आप यहां से लेजर पॉइंटर कलर भी चेंज कर सकते हैं और पेन का कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हाइड स्लाइड्स। हाइड स्लाइड्स का मतलब है कि आप यहाँ से स्लाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं। किस तरह हाइड होगा अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सपोज आप चाहते हैं कि 7 नंबर स्लाइड हमारे पास हाइड हो जाए, तो आप यहाँ से हाइड पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 7 पे ये लाइन आ गए हैं कि हमारे पास ये क्रॉस हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 9 को करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से 9 को भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब 10 है, 10 को मैंने हाइड किया है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको अनहाइड करना हूँ, दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सेटअप। सेटअप में क्या क्या चीजें हैं, एक है हमारे पास रिहर्स टाइमिंग और दूसरा हमारे पास है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिहर्स टाइम, सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, आप उस पर रिहर्सल करते हैं, या ड्रामा जो मतलब स्टेज पे जो ड्रामे होते हैं या मूवीज होते हैं उसका पहले वो रिहर्सल करते हैं कि जो इशू हैं, जो मिस्टेक हैं वो पहले से वो कर लें, सीख लें आसानी के साथ, वो किस तरह करते हैं। तो आप यहाँ से रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, तो आज जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन पे रिहर्सल करेंगे और ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास ये रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट है। तो फिर आप इसको लेसन करेंगे कि मैंने क्या इसमें गलती की है, क्या गलती नहीं की है, तो आप यहाँ से रिहर्सल भी कर सकते हैं और आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास है रिकॉर्ड स्लाइड शो। आप यहाँ से जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है या ऑफिस में है, कहीं पर भी हैं, आप उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड्स भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग कर देता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, तो आपके पास फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं अभी इसमें हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम करंट हो गए क्योंकि हम करंट में हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट पे जाना होगा, फिर आप यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम बिगेनिंग कर लेंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट से आपके पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्लेन नरेशन और हमारे पास यूज टाइमिंग। तो आप ये इसको अनचेक और चेक भी कर सकते हैं, ये ज्यादातर हम यूज नहीं करते, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास फिर हमारे ऑडियो में जो नरेशन है वो नहीं होंगे, आप अनचेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या प्राइमरी भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो स्लाइड शो था, हमने इसको डीपली स्टडी कर दिया और डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है, आप प्रैक्टिस करें, समझ में नहीं आ जाता तो कमेंट करके लाजमी पूछ लिया करें। इसके बाद हमारे पास है रिव्यू। रिव्यू बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, इन सबका रिव्यू बिल्कुल सेम है। रिव्यू में क्या क्या चीजें होती हैं तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग, आप यहाँ से स्पेलिंग चेकिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है, कोई वर्ड लिखा है उसमें मिस्टेक है, तो आप यहाँ से उसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च भी कर सकते हैं, एक वर्ड की आप यहाँ पर मीनिंग भी सर्च कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी सिनोनिम्स भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास है डिक्शनरी का काम करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिकॉग्निशन को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसके सिनोनिम्स वगैरह यहाँ पर मेरे पास शो होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेट, मिनी ट्रांसलेटर और सेलेक्ट, तो आप यहाँ से ट्रांसलेटर उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से मिनी ट्रांसलेट, तो आप यहाँ से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश टू उर्दू एंड सो ऑन। जितनी भी आपके पास यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं आप उसको इसमें इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे पास हमारे पास सिर्फ हैं फ्रेंच और स्पेनिश दो हैं, तो मैं उर्दू में ये नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसको डाउनलोड करना पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस भी आप जा सकते हैं, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी कर सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश है, ये हमारे पास इनेबल है कीबोर्ड में, आप यहाँ से दूसरे को भी डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू एंड सो ऑन। आप यहाँ से फिर इसको इनेबल कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है कमेंट, आप यहाँ से कमेंट भी लगा सकते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह कमेंट लगा सकते हैं। तो
कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, और यहाँ से शो कमेंट और हाइड कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शो कमेंट और हाइड कमेंट, आप यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास वो डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास बात आती है कंपेयर की तरफ, कि कंपेयर है क्या चीज़। इस कंपेयर के जरिए हम इस प्रेजेंटेशन के साथ दूसरी प्रेजेंटेशन को मर्ज भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली। तो या फिर देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे फोटो एल्बम पे क्लिक कर देता हूँ, उसको मर्ज कर देता हूँ। तो हमारे पास स्लाइड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर डिटेल हैं, तो आप यहाँ पर फिर ये चेक कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास, इस पे भी जा सकते हैं, तो आप यहाँ से अपने स्लाइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ या इसको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ से मूव साइज, क्लोज वगैरह एंड सो ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इन रिव्यू, आप इन रिव्यू भी कर सकते हैं। यू वांट टू इन रिव्यू, यस, तो आप यहाँ से क्लोज करेंगे। आपने जो रिव्यू कर रहे थे आप, तो आप उस आपके साथ ये क्लोज हो गए। सो आई होप आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा स्लाइड शो में, रिव्यू में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज।